नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं पहली इकाई का पाठ पाँच, बंदर का धंधा। इसके कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बाल उपयोग की बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रमुख प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों व हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। कविता इस प्रकार है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। बच्चों, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन क्या मिला? टूटा फूटा आला। आला यानी कि स्टेथोस्कोप मिल गया। फिर उसने कहीं से एक कुर्सी और मेज की जुगाड़ की और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवा खाना खोल दिया। उसके बाद सबसे पहले कौन सा मरीज उसके पास आया? भालू। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, जब बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब चूमंतर होए फीस तभी तुम देना। उसके बाद डॉक्टर के पास भालू आया। भालू आकर बोलता है मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इन्हें पानी में उबालकर सुबह शाम पीना, जब तुम्हारी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम मुझे फीस दे जाना। अगला मरीज कौन आया डॉक्टर के पास? एक बिल्ली आई। बिल्ली आकर क्या बोलती है? बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बिल्ली डॉक्टर के पास आकर क्या बोलती है कि मुझे 104 बुखार है जिसकी वजह से मैं शिकार पर जाने में असमर्थ हूँ, मैं इतनी ज़्यादा जो है अस्वस्थ हो चुकी हूँ। डॉक्टर ने उसे क्या दवाई दी? डॉक्टर ने जो है उसे गिलोय का रस पीने के लिए कहा कि तुम 3 बार दिन में गिलोय का रस पीना और रात तक तुम इतनी स्वस्थ हो जाओगी, चाहो तो कल से ही तुम डांस कर सकती हो। डांस कौन से गाने पर कर सकती है? ईना मीना डीना। अगला मरीज कौन आया? एक लोमड़ी आई। लोमड़ी आकर क्या बोलती है? तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। तभी लोमड़ी जो है आती है, कहती है कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं ही सारे जंगल में सबसे सुंदर दिखूँ। तब बंदर ने उसे क्या कहा कि तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। क्या लगाओ? घी कुंवार। इससे तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा, सोने की तरह चमकने लगेगा और फिर तुम मुझे फीस दे जाना। इस प्रकार से डॉक्टर का धंधा चलने लगा और बंदर क्या कहता है, अब क्या बोलता है आगे? चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी चलने लगी और उसके पास बहुत अधिक मरीज आने लगे और वो बहुत प्रसन्न रहने लगा और खुशी से वो इलाज करने के लिए लोगों के जंगल से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाने लगा जिससे कि वो अपने मरीजों को जो है अच्छी तरह से इलाज प्रदान कर सके। शब्दार्थ आला, स्टेथोस्कोप, खांसी, खांसना, जुकाम, सर्दी, छूमंतर समाप्त होना, गायब होना, बूटी वनौषधि, गिलोय एक तरह की जड़ी बूटी है, कुंदन सोना या स्वर्ण, मौज खुशी या प्रसन्नता। धन्यवाद।